आज हम इस वीडियो 13D में एक्सरसाइज 13.3 को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स, हाउ विल यू चेक योर आंसर। क्लियर, कैसे करना है इसको एक बार देख लेते हैं इसको, ठीक, और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि हमें कोई स्टेप मिस करें, इसमें को समझाना भी है, ठीक है। तो कैसे करना है इसको देख लेते हैं एक बार। एक बात और, जो क्वेश्चंस किया है मैंने, इसी क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ, ठीक है। मैं अब इसको फिगर्स, अदर फिगर बनाऊँ, ठीक है, उसमें टाइम लगेगा, इसी फिगर्स में मैं मैनेज कर लेता हूँ। तो आप लोग ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। और कैसे क्या करना है इसको देखते हैं एक बार। आपको ये बताना है कि कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं और इनके लाइन ऑफ सिमेट्री आपको ड्रा करनी है। क्वेश्चन समझ रहे हैं अपना? हाँ, तो कैसे करेंगे आप लोग उसको देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, आप सबसे पहले आपको ये बताना है कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है। देखो, एक तो ये होगी लाइन सिमेट्री, एक ही होगी, टू हो गई, एक ही होगी, थ्री एक ही हो गई, फोर कितनी हो गई, फोर। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, फोर है। इसमें ओनली वन होगी, कितनी होगी, ओनली वन, वन वी ओनली। इसमें ओनली कितनी होगी, वन होगी। इसमें कितनी होगी, इसमें देख लेते हैं एक बार। एक तो ये होगी लाइन ऑफ सिमेट्री और एक ही होगी, तो इसमें कितनी होगी, टू। ठीक, समझ गए आप लोग? हाँ, इसमें कितनी होगी, इसमें देखते हैं। एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री ये होगी और एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये होगी, तो इसमें कितनी होगी, टू। इसमें इसमें ओनली वाटरफॉल है, यही इसमें ओनली वन होगी, यहाँ से सिमेट्री का ये बेस्ट एग्जांपल होता है वाटरफॉल, ध्यान रखना सब का, समझ गए आप लोग। इसमें ओनली वन होगी तो उसमें वन लिखो आप। इसमें कितनी होगी, एक तो ये होगी और एक ये, एक ये और एक ये, तो इसमें कितनी होंगे, टू, टू। समझ गए आप लोग? क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप लोग ना समझ सकें, ठीक है। आपको नंबर ऑफ सिमेट्री लाइंस बतानी है और आपको ड्रा करनी थी, समझ गए आप लोग? ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर टू इजी है और इस टाइप का क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 13.2 में सॉल्व किया था, अब फिर कर रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन, कोई नहीं। क्वेश्चन टू में कह रहे हैं, कॉपी द फॉलोइंग ड्राइंग ऑन स्क्वायर्ड पेपर, कंप्लीट ईच वन ऑफ देम सच डैट द रिजल्टिंग फिगर हैज टू डॉटेड लाइंस एज टू लाइंस ऑफ सिमेट्री। समझ रहे हैं आप लोग? हम आपको समझाते हैं करना कैसा है। अब आपको ये बताना है, देखो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसमें टू लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें गिवन है फिगर में, आपको कुछ नहीं करना है, ये तो आप समझ गए बात को। लेकिन जो आपको ये वाला फिगर दिया है ना, ये वाला फिगर दिया है, अब इसकी सिमेट्री आपको लाइन ऑफ सिमेट्री करनी है इन टू लाइंस के अगेन। तो इसके इस लाइन के अगेन ये वाली होगी, इस लाइन के अगेन ये वाली होगी और इस लाइन के अगेन ये वाली होगी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों, इस तरह से करना है, समझ गए आप लोग? ऐसे ही ये करना है आपको। क्या करना है इसमें, इसमें देखो एक तो ये हो गया, हाँ, अब देखो ऐसे किया, ये ऐसे है ना, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे, ठीक, समझ गए आप लोग, समझ रहे हैं ना बात को? उसके बाद इसको यहाँ ऐसे करेंगे आप लोग, फिर इसको ऐसे, फिर आप लोग इसको ऐसे, ठीक है, ऐसे इसको ऐसे करना है, कर सकते हैं आप लोग ऐसे। इसमें जैसे ये सेम है, इधर से इस साइड में सेम होना चाहिए, ऐसे ऐसे किया, इसको ऐसे, कोई स्टेप आपको मिस नहीं करनी है, समझ रहे हैं बात को आप लोग? हाँ, अच्छे से करना है और हम इसको सॉल्व करते जा रहे हैं, देखते जाइए आप लोग, ठीक।
ऐसे, सॉरी ठीक। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद ये इसको यहाँ लाए, ऐसे किया, इसको ऐसे मिलाया और इसको ऐसे ऐसे इसको इसको ऐसे ठीक। इस फिगर में थोड़ी डॉट है तो आपको इसको ऐसे नहीं करना है, आपको हम समझा दे रहे हैं आपको करना कैसे, एक बार आप लोग समझ लो अच्छे से ठीक है। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक लग रही है फिगर में, आपको समझा रहे हैं करना कैसे, इसको देख लेते हैं आप एक बार आपको ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व कर लेना अच्छे से, इसको कुछ ऐसा करना है, ये जो फिगर दिया है ना ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है। ये लाइन ऑफ सिमेट्री है टू ठीक है, ये टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं और इसमें इसमें कुछ ऐसा दिया है यहाँ से, इसको ऐसे यहाँ से, इसको ऐसे करके ऐसे करके, इसको ऐसे यहाँ से इसको, हाँ अब इसको यहाँ से ऐसे किया ठीक है, फिर इसको ऐसे किया है इसको, फिर इसको ऐसे ठीक ऐसे। अब इसकी अब इस फिगर के अलॉन्ग लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है, तो ऐसे पहले तो लाए आप लोग, फिर ऐसे ऐसे ठीक ऐसे करनी है, समझ रहे हैं आप लोग। हाँ उस फिगर में थोड़ी सी मिस्टेक है ठीक, कोई नहीं, उस मिस्टेक को हमने दूर किया, ऐसे करना है समझो जैसे हम कर रहे हैं ठीक है। फिर इस फिगर्स के अलॉन्ग ये एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री आपको ये दी है, एक तो ये थे और एक ये है, तो कैसे ड्रा करनी है देखते हैं इसको एक बार, ड्रा कैसे करनी है समझ रहे हैं आप लोग। हाँ कैसे करनी है इसको देख लेते हैं एक बार, एक तो यहाँ से लेंगे आप लोग ठीक है, और यहाँ इसको इससे आप लोग यहाँ मैच कर देंगे, फिर इसको आप ये लोग मिल जाएंगे ठीक है। वन टू टू ब्लॉक, यहाँ टू ब्लॉक गए, टू ब्लॉक गए हम लोग, टू ब्लॉक जाने के बाद फिर तो कितने ब्लॉक हमने, वन टू टू ब्लॉक, वन टू यानी कि यहाँ आ गए ओके, ऐसी यहाँ टू ब्लॉक गए वन और टू, फिर कितने पर वन टू स्टोर ब्लॉक यहाँ पर हम लोग ऐसे ड्रॉ करनी है, कर सकते हैं आप लोग ठीक। ऐसी सेम फिगर ये है, ऐसी इसमें है तो वन टू यहाँ गए, वन टू यहाँ गए, यहाँ पर ऐसे किया ठीक है, और वन प्लेस वन ब्लॉक आ गया है, फिर ऐसे गए ठीक है, यहाँ गए ऐसे, इसको ऐसे ही हम लोगों ने मैच कर दिया, इसको कर दिया ऐसे कर दिया ठीक है। ऐसे ही है वन ब्लॉक वन टू थ्री ठीक हो गया। फिर उसके बाद यहाँ अंदर ब्लॉक्स हो गए, वन ब्लॉक्स ऐसे ऐसे करना है ठीक, मिस्टेक नहीं करनी है ज़रा से, अगर आपने मिस्टेक की तो आप क्वेश्चन वहीं रॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, बस ऐसे करना, समझ गए आप लोग ठीक। फिर ऐसे ही है, अब इसमें आपको बहुत समझना है, इसका क्या है ऐसे किया है तो सबसे पहले आप लोग यहाँ ऐसे जाएं, आप लोग किया आपने, किया आपने ना, उसके बाद उन्होंने ऐसे किया, इसको ऐसे जाएंगे ठीक है, इसको ऐसे और इसको ऐसे, बस अब इसमें भी यही करना है, इसमें भी आपको ये करना है वन टू थ्री, तो इसमें भी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऐसे करना है यहाँ पर ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे करने के बाद वन प्लेस आगे वन प्लॉक आगे जाना है, उसके बाद वन प्लेक यहाँ, फिर आप लोग यहाँ, उसके बाद यहाँ ऐसा ठीक है, फिर ऐसे ठीक।
ऐसे और फिर यहाँ ऐसे ऐसे करना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन 3 आपको होमवर्क में सॉल्व करना है, ठीक। तो अच्छे से करना, और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अच्छे से वीडियो देखना, एक बार नहीं जब तक ना समझ में आए, उसके बाद भी ना समझ आए तो आप मुझसे डिस्कस करना अच्छे से, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, बाय।